दोस्तों आज हमारा पास एक iPhone 8 का मोबाइल है जिसमें कि कैमरा ऑन करने से दोस्तों पीछे का कैमरा बिल्कुल भी ओके है हमारा, मगर जब फ्रंट आगे का कैमरा बिल्कुल देख सकते हैं ब्लैक स्क्रीन में है तो कहीं ना कहीं मोबाइल में दिक्कत है। तो इसलिए हमारा पीछे का कैमरा ओके है मगर फ्रंट कैमरा बिल्कुल भी ओके नहीं है। तो वीडियो में ज़रूर लास्ट तक रहिएगा, इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करते हैं इस स्कैमेटिक डायग्राम का मदद से। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही कुछ लेटेस्ट लेटेस्ट मोबाइल का बारे में आपको अगर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का डीपली नॉलेज चाहते हो तो इस वीडियो को या सब्सक्राइब या लाइक करके रखिएगा। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो इसका स्क्रू, जहाँ का स्क्रू आपको वहाँ पे लगाना है, इसका स्क्रू भी अलग अलग आता है। तो दोस्तों हम लोग का पास ये सेम सेट भी है जो देख सकते हैं, हमारा पास और एक iPhone 8 है, इसका कैमरा भी हम लोग लगा के देख चुके हैं मगर उसमें भी आपका ब्लैक स्क्रीन ही आ रहा है। तो चलिए इसको कैसे हम लोग कैसे इसको डायग्नोस करेंगे। तो हमारा तो तो हम लोग का पास अभी ये हमारा iPhone 8 का कैमरा है जो फ्रंट कैमरा है। तो फ्रंट कैमरा का कनेक्टर ये है हमारा फ्रंट कनेक्टर का कैमरा। तो सबसे पहले जो हमारा जो डाटा लाइन CPU से आ रहा है, डाटा P, डाटा N, डाटा क्लॉक सबका रीडिंग चेक कर लेना है। पहला से नंबर लेके दो, फिर ग्राउंड रहेगा, फिर दो, फिर ग्राउंड, सबका कैमरा या डिस्प्ले कनेक्टर में सबका फंडा सेम ही है। और ये हमारा कुछ यहाँ पे कैमरा का VDD का सप्लाई है। ये हमारा VDD का DVDD का मतलब कैमरे का सप्लाई। और यहाँ पे हमारा 2.85 वोल्ट कैमरा VDD AVDD। और ये कैमरा फेस कैमरा का हमारे कनेक्टिविटी 1.8 वोल्ट, ये भी यहाँ पे चेक करना है। तो चलिए एक बाई एक चेक करते हैं। तो जूम करो सामने सब पिन देखा जाए। ये हमारा यहाँ पे रीडिंग आना चाहिए तो ठीक है हमारा। उसके बाद ये वाला रीडिंग आना चाहिए, ये भी ओके है। तो यहाँ पे ग्राउंड आना चाहिए, ये भी ग्राउंड है। और यहाँ पे हमारा GR आना चाहिए, ओके है, ये भी GR आना चाहिए। ये हमारा क्लॉक का पिन है, क्लॉक PR PN। और यहाँ पे ग्राउंड ग्राउंड आ रहा है, ओके। उसके बाद यहाँ पे भी हमारा डाटा लाइन कैमरा का बिल्कुल ओके है। यहाँ पे भी डाटा लाइन बिल्कुल ओके। उसके बाद यहाँ पे ग्राउंड आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे शॉट आ रहा जो कैमरा का सप्लाई का लाइन है, 10 नंबर पिन हमारा। यहाँ पे दिखाओ, ये यहाँ पे 10 नंबर पिन हमारा जो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर पिन शॉर्ट है। यहाँ पे 10 नंबर पिन शॉर्ट है। मीटर देखो, मीटर बंद हो गया है। ये 10 नंबर पिन हमारा शॉर्ट नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मीटर देखो, 10 नंबर पिन शॉर्ट आ रहा हमारा। तो 10 नंबर पिन में क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर में हमारा कैमरा DVDD कनेक्ट जो हमारा 1.1 वोल्ट का ये सप्लाई है, ये हमारा शॉर्ट है। तो ये कहाँ पे आ रहा, तो ये कैपेसिटर और ये दो कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है, ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है। लास्ट हम चेक करेंगे जो ये लाइन जा रहा है
तो एक हीट मैप में भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा 10 नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ से एक कैपेसिटर इधर ग्राउंड किया है, एक कैपेसिटर ग्राउंड किया है, एक रेजिस्टेंस होके। तो ये रेजिस्टेंस को पहले हम रिमूव करेंगे, रिमूव करने से पता चल जाएगा ये दो कैपेसिटर शॉर्ट है। फिर उसका बाद जो है फिर लगा के चेक करेंगे। यहाँ पे ठीक, यहाँ पे हम जब लाइन देंगे तो देखिएगा, यहाँ पे जब लाइन ट्रेस तो ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है, या तो ये लाइन का लास्ट तक हम लोग टेस्टिंग करेंगे तो ये आईसी को लास्ट में हम लोग निकालेंगे। तो पहले हम लोग कैपेसिटर चेक करेंगे। मदरबोर्ड का जो टेम्परेचर दोस्तों बहुत नॉर्मली रहेगा एंड्रॉइड का मुकाबले से। एंड्रॉइड में आपको थोड़ा हाथ ज़्यादा हीट करना पड़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आईफोन में आपको ज़्यादा हीट नहीं करना चाहिए, बहुत ही प्यार से आपको ग्लू करना है हल्का हीट से नॉर्मली 300 का अंदर ही। और यार आपको जीरो ही रखना है तो इसको कटिंग करना है। आईसी का भी थोड़ा आईसी थोड़ा ज़्यादा 30-40 का अंदर ही आपको रखना है। और इसका जो कैपेसिटर के ऊपर में हमारा पेस्ट था वाइट पेस्ट, तो आप पहले इसको काट के निकाल के आपका जो रेजिस्टेंस है हम निकालेंगे इसको। तो आपका आईफोन में कभी भी आप कम करेंगे तो आपका जो हीट आपका नॉर्मली रहेगा, ज़्यादा हीट नहीं देना है। तो आईफोन में यही दिक्कत आता है, अगर ज़्यादा हीट देंगे तो अगल बगल का रेजिस्टेंस आईसी वो अपना बॉल जो है निकल सकता है बाहर। अभी 10 नंबर चेक करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर तो ग्राउंड है, 10 नंबर अभी शॉर्ट नहीं है। तो इसके मतलब रेजिस्टेंस का आईसी का तरफ शॉर्ट है या तो एक कैपेसिटर शॉर्ट होगा, तो एक कैपेसिटर को भी एक बार रिमूव करके देखना होगा। तो आईसी कैपेसिटर को हम लोग अभी निकाल चुका है, तो एक बार इसमें हम लोग रीडिंग चेक कर देंगे मीटर में। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो देख सकते हैं, अभी हम लोग का जो है यहाँ पे ग्राउंड की देखो, ग्राउंड का देखो, अभी हम लोग का यहाँ पे कोई शॉर्ट नहीं है। यहाँ पे देखो सही से, यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम लोग का यहाँ पे ग्राउंड में रखा हूँ, ग्राउंड में डीप दे रहा है मीटर, मगर यहाँ पे कोई अभी शॉर्ट नहीं है। तो ये हमारा कैपेसिटर को एक बार चेक करेंगे, देखो मीटर के दिखाओ, मीटर को मीटर जूम आउट करो, जूम आउट, मीटर लाइट देखा, देख सकते फुल बीप दे रहा है। इसके कैपेसिटर देखो, एक शॉर्ट था फोकस, ये हमारा शॉर्ट है अभी फिलहाल। तो अभी हम लोग रेजिस्टेंस को जो निकाले थे उसको लगाएंगे।
आगे बोर्ड देखो, तो नेगेटिव को हम लोग ग्राउंड कर रहे हैं, पॉजिटिव को ग्राउंड कर रहे हैं। देखो रीडिंग अभी हम लोग का बिल्कुल ओके है। फिर तो यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस के कैप में, रेजिस्टेंस के मुंडी में लगाया, जूम करो। तो दिखा रहा देखो सतु, देखो बिल्कुल ओके है। अभी बोले आप करो।